ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਐਨਆਰਆਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ तालिबान नाल समझौते ते अमल करदे हुए अमरीका ने अफगानिस्तान दे पांच ठिकाणियां तो अपने फौजियां नू वापस सद लिया है। इस जरिए अमरीका ने इत्थे फौजियां दी तैनाती घटाई है। पेंटागन दे बुलारे जोनाथन हाफमैन ने मंगलवार नू दस्सिया है कि बीती 29 फरवरी नू तालिबान नाल होए समझौते विच अमरीका ने फौजियां दी तादाद 8600 तक घट करन दा वादा कीता सी। 135 दिन बाद इह वादा पूरा होया। अमरीका ने अपने कंट्रोल वाले पांच फौजी टिकाने अफगान सहयोगियों नू सौंप दित्ते ने। इस नाल अफगानिस्तान विच अमरीकी फौजियां दी गिनती तकरीबन 8000 रह जावेगी। हाफमैन ने आख्या है कि अफगानिस्तान विच मौजूद अमरीकी फौज हुण गिनती दा नहीं समर्था दा ख्याल ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। पाकिस्तान दियां हवाई उड़ाना ते रोक लगाउण वाला पहला मुस्लिम देश ओमान हो सकदा है, जो सुरक्षित हवाई यात्रा नूं लै के कोई जोखम नहीं लेना चाहुंदा। लिहाजा पायलटां दे शक्की लाइसेंस कांड विच इस्लामाबाद नूं स्थिति साफ करन नूं आख्या गया है। पाकिस्तानी अखबार मुताबिक जे ओमान पाबंदी लगाउण दा फैसला करदा है तां इसदा वड्डा सुनेहा लावेगा। इस तों पहलां यूरपी यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी अपने मैंबर देशां च 6 महीनियां लई पाकिस्तानी उड़ानां ते रोक ला चुकी है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन भी पाकिस्तानी पायलटां दे शक्की लाइसेंस नूं लै के चिंता जाहर कर चुकी है। सूत्रां मुताबिक पाकिस्तानी हवाई अथॉरिटी ने ओमान नूं भरोसा दवाउण दी कोशिश कीती है कि पूरी जांच परख तों बाद ही पायलटां नूं उड़ान दी आग्या दित्ती जा रही है। इस विचाले इथोपिया, साउदी अरब ते कुवैत ने भी अपने इत्थे वख-वख एयरलाइंस च नियुक्त पाकिस्तान पायलटां बारे इस्लामाबाद नूं स्थिति स्पष्ट करन नूं आख्या है। पाकिस्तान दे कराची शहर च 22 मई नूं ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਈਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ 150 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। चीनी ऐप नाल जुड़ियां पाबंदियां बारे अमरीका दे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन वल्लों एक वड्डा बयान दिता गया है। उन्हां आख्या है कि जेकर भारत वांग अमरीका ते यूरपी देश टिकटॉक वर्गे चीनी ऐप ते पाबंदी लगाउंदे ने तां ड्रैगन दे हत्थों जासूसी दा वड्डा हथियार निकल जावेगा। इस तों पहलां विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने आख्या सी कि भारत ने चीनी ऐप ते पाबंदी लगा के एक वड्डा कदम चुकिया है। अमरीका भी इस ते विचार कर रहा है ते इस बारे रिपोर्ट तैयार कीती जा रही है। जिक्रयोग है कि भारत ने पिछले महीने टिकटॉक ते यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप ते इह कहिंदिया पाबंदी लगा दित्ती सी कि इस नाल देश दी खुद मुख्तियारी नूं खतरा है। एक निजी रेडियो नूं दित्ती गई इंटरव्यू च ओब्रायन ने आख्या है कि ट्रंप प्रशासन टिकटॉक, वीचैट ते चीन दे दूजे ऐप ते गंभीरता नाल नजर रख रहा है। टिकटॉक नाल जुड़े खतरियां संबंधी पुछे गए सवाल दे जवाब च उन्हां आख्या कि भारत पहला ही इन्हां ते पाबंदियां लगा चुकी है। जेकर अमरीका भी अजिहा कर देवे ते फिर उस तों बाद यूरपी देश भी कदम चुकण तां इस नाल चीन दी कम्युनिस्ट पार्टी दा एक जासूसी हथियार खत्म हो जाएगा। जेहड़े बच्चे टिकटॉक दी वरतों कर रहे ने इह उन्हां लई मजेदार हो सकदा है, पर इह उन्हां दी पूरी पछाण लै रहा है। बच्चे इस दी थां सोशल मीडिया ऐप दी वरतों कर सकदे ने। उन्हां दावा कीता है कि टिकटॉक हुण हरेक व्यक्ति दा निजी डाटा लै रहा है। उसनूं पता है कि तुहाडा दोस्त ते पिता कौन है, तुसीं कदों किथे हो। ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਚੀਨ ਸਥਿਤ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਬਰਾਇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੀਚੈਟ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਭੱਠੇ ਸਮੇਤ 400 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
इस बारे जानकारी दिंदियां थाना खालड़ा मुखी SHO जसवंत सिंह ने दसिया है कि ASI साहिब सिंह अपनी पुलिस पार्टी समेत भैड़े अंसरां दी तलाशी विच पिंड माड़ी मेगा विखे खड़े सी तां किसे खास मुखबर ने इतला दित्ती कि बलविंदर सिंह बिल्लू जो नशे वेचण दादी है जेकर उसदे घर छापेमारी कीती जावे तां चालू भट्ठी फड़ी जा सकदी है। जिस तों बाद ASI साहिब सिंह ने तुरंत एक्शन लैंदियां पुलिस पार्टी समेत उसदे घर छापेमारी कीती तां चालू भट्ठी समेत 400 लीटर लाहन बरामद करके उसते परचा दर्ज कर लिया गया है। अपना पंजाब NRI TV लई तरन तारन तो रिंपल गोलन की विशेष रिपोर्ट। अते पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने मंत्रिमंडल दे एक मंत्री दे कोरोना पीड़ित होने तो बाद सारी कैबिनेट नू कोरोना वायरस दे टेस्ट करवाउण दी सलाह दित्ती है। इस बारे राज दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आख्या है कि सारे कैबिनेट मंत्री अज अपने कोरोना वायरस नू लेके टेस्ट करवाउणगे। उन्हां दे नतीजे अज शाम जां कल आउणगे। अधिकारियां ने आख्या है कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियां नू सावधानी दे तौर ते टेस्ट करवाउण दी सलाह दित्ती है। पंजाब दे पेंडू विकास अते पंचायत मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा बीते दिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए सन और राज दे पहले मंत्री ने जिन्हां नू कोरोना होया है। श्री सिद्धू ने आख्या कि बाजवा जो मोहाली दे निजी हस्पताल विच दाखिल ने दी हालत थिर है। सेहत मंत्री ने लोकां नू अपील कीती है कि ओह बीमारी दे फैलन नू रोकण लई COVID-19 दे दिशा निर्देशां दी पालना करन। उन्हां आख्या है कि लोकां नू समाजिक दूरी रखनी चाहीदी है ते मास्क पहनने चाहीदे ने। इस नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीं ते ताजियां खबरां लै के जल्द हाजिर होवांगे। तद तक लई दो इजाजत, धन्नवाद। देश दुनिया दी हर खबर ते नजर रखण दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉगिन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते इस दे नाल ही तुसीं इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्दी विजिट करो साडी वैबसाइट ते।